हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है फाइनली लास्ट पार्ट मेरे मसूरी डे वन का। और हम लोग लंच करने के बाद निकले हैं कंपनी गार्डन विज़िट करने के लिए। तो ये जो मैं एरिया से अभी क्रॉस कर रही हूँ, ये जो आप एरिया देख रहे हो वो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे ये देखने का बहुत ज़्यादा मन था। तो मैं जब कंपनी गार्डन जा रही थी तो हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये जो बाहर का एरिया है उस इंस्टीट्यूट का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन। तो कंपनी गार्डन हम अराउंड 5 पहुंचे थे। तो एंट्रेंस में ही दोनों साइड पे बहुत सारे शॉप्स लगे हुए थे और बहुत सारा जैसे डेकोरेटिव आइटम्स वहाँ पे सेल हो रहा था, या फिर बच्चों के खिलौने, ज्वेलरी, क्लोथ्स। तो ये है एंट्रेंस कंपनी गार्डन का। और बहुत ही ग्रीनरी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन मोहने वाला व्यू था। बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील हो रहा था। और बहुत सारा वाटर शोज था, लाइक फाउंटेन, फिर वाटरफॉल भी आर्टिफिशियल यहाँ पे बना हुआ था। तो शिवाय को बहुत ज़्यादा पानी से प्यार है, तो इस तरह का कोई भी चीज़ जब वो देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। तो वो एक जगह पे खड़े होके बहुत ज़्यादा जो फाउंटेन है उसको एडमायर कर रहा था। देखो इधर। तो काफ़ी लेट हो गया था, मतलब शाम का 5 बज चुका था जब हम कंपनी गार्डन आए थे। तो अगर आप कंपनी गार्डन विज़िट करने जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा पहले आओ यहाँ पे, क्योंकि इतना कुछ है यहाँ पे जिसे कि इंजॉय किया जा सकता है, जैसे राइड्स वगैरह और फाउंटेन बना हुआ है, वाटरफॉल है और एक लेक भी है यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको कि आप इंजॉय कर सकते हो। तो आप आराम से 2 से 3 घंटा आप लेके आओ। हम उतना देर यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, तो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे रैप अप करने पर भी हमारा फिर भी 1 घंटा यहाँ पे लग ही गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंजॉय करने लायक है यहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा टाइम लेके आइए यहाँ पे। तो अभी जो आप मेरे बैक का व्यू देख रहे हो, आप इसी से पता कर सकते होगे कि कितना सुंदर ये प्लेस था। और इस गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से भी मेंटेन किया गया है। और शिवाय यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, इनफैक्ट सभी जगह पे शिवाय बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बट यहाँ पे उसे खेलने के लिए, कूदने के लिए काफ़ी स्पेस मिल गया था। तो वो इधर उधर बहुत ज़्यादा भाग रहा था, दौड़ रहा था। तो इन ऑल वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था हर चीज़ में और बहुत इंजॉय कर रहा था। चारों ओर सिर्फ ग्रीनरी नहीं था बट फ्लावर्स भी बहुत ब्यूटीफुल थे। और उनका भी बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स, जो ग्रीन कलर के साथ जब मिक्स हो रहा था तो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा था। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फर्स्ट डे इतनी साइट सीन कर ली कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं जो क्लिप्स आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैंने ऊपर नीचे क्लिप्स लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। सुबह से मैं निकली हुई थी, तो फर्स्ट धनौल्टी, उसके बाद सुरकुंडा देवी, फिर रोपवे से हम गन हिल पॉइंट गए थे, फिर हमने काफ़ी टाइम मॉल रोड में भी स्पेंड किया और फिर हम यहाँ पे आए थे। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड मैं हो गई थी तब तक। तो उन सब का मैंने पहले भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो मेरे लास्ट कुछ वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ अपने हॉलीडे का वीडियोस आप लोगों के साथ। और मैं स्टार्टिंग से सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो मैंने वीडियो स्टार्ट करते वक्त आपको बताया था, जैसे मैं कंपनी गार्डन एंटर की थी, यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड एक बना हुआ था
जहाँ पे आप बोट राइड कर सकते हो। उसके साथ साथ बहुत छोटे बड़े और भी राइड्स थे, तो इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि जब आप यहाँ आ रहे हो तो अच्छा खासा टाइम लेके आइए, क्योंकि ये सब राइड्स आप इंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। फिर इतने सारे एरियाज़ यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ की डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पिक्चर्स क्लिक करें और यहाँ की मेमोरीज़ ज़रूर अपने साथ रखें। यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का भी बहुत सारा बंदोबस्त है, तो आप अगर चाहें तो रेस्टोरेंट में आप कुछ ले सकते हो, या फिर उसके बाद भी आप बाहर निकल के भी कंपनी गार्डन के ही प्रीमाइसेस में आपको छोटे बड़े और भी स्नैक्स काउंटर मिलेंगे। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, वैक्स म्यूज़ियम, जहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप शौकीन हैं शॉपिंग के, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े शॉप्स भी हैं, आप वो सब एक बार चेक कर सकते हैं। एक चीज़ से तो काफ़ी हम इरीटेट हो गए, हम जहाँ भी जो भी स्पॉट में जा रहे थे वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स इतने सारे थे कि परेशान हो गए हम, फ़ोटो खिंचवा लीजिए सुन के। और हमने पिक्चर्स कुछ क्लिक करवाए थे, बट बार बार कोई आपको अगर ये सब इंसिस्ट करे तो डेफिनेटली थोड़ा इरीटेटिंग हो सकता है। ये हवा मिठाई का क्या कर दिए, दिखाओ, हलवा मिठाई बन गया ये। तो कंपनी गार्डन विजिट करने के बाद हम यहाँ से निकले और हम उस रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे मेरे हस्बैंड का स्कूल था। तो पहले काफ़ी चीज़ें अलग थी और अब काफ़ी चीज़ें अलग है, क्योंकि पहले उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलप हो चुका है। तो जो बाउंड्रीज़ थी वो इस तरह से बन गई थी अब कि जो स्कूल था वो अब नहीं नज़र आ रहा था, तो हम जो रोड था वहाँ से स्कूल नहीं देख पाए, बट फिर भी थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड ने दिखाया स्कूल। स्कूल देखने के चक्कर में हम ऐसे रास्ते में आ गए कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, और ये जो रास्ता था वो काफ़ी पतला था, काफ़ी नैरो था, काफ़ी ज़्यादा घुमावदार था। तो यहाँ से लौटने के बाद अराउंड 6:30 हो चुका था मॉल रोड जब हम पहुँचे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मूवी देखेंगे, कबीर सिंह मूवी 7 बजे से 10 बजे तक की थी। फिर हम जब निकले 10:15 हो रहा था, 10:15 में हम पहुँचे अपने होटल। तो मुझे तो कबीर सिंह बहुत ही अच्छी लगी, आप लोग अपना ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मूवी अगर आप लोग देखे हो तो। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं एक बहुत ही टायरिंग डे के बाद होटल। तो इस वीडियो के साथ मैं एंड कर रही हूँ अपना मसूरी का फर्स्ट डे, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक दिस वीडियो, आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद जय भारत।